इस क्वेश्चन में क्या है, इफ वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 55, ठीक है, तो एक एक्यूट एंगल कितना है, 55 डिग्री है, तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, तो आपको बताना क्या है कि दूसरा एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, आपको पता है राइट एंगल की बात की है, ये कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, होगा 90 डिग्री, इसको मान लीजिए ये क्या है 55 है, आपको क्या करना है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल की सम की कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 इक्वल टू क्या करिए 90 प्लस करिए कितना 55, ठीक है, और प्लस करिए x करिए, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये क्या है 19 माइनस 55 कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 35 आएगी, तो x इक्वल टू कितना होगा 35 डिग्री क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो कितना होगा 35 डिग्री होगा।